हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम नया लेक्चर लेकर आ रहे हैं। इस लेक्चर पे हम लोग करेंगे केमिस्ट्री का अगला एक्सरसाइज। हम लोग पिछला में किए थे एनिसेंथैल्पी, उसी का मैंने उसमें बोला था कि इसमें पूरा नहीं हुआ एनिसेंथैल्पी का, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर लेके आ चुका हूँ फ्रेंड्स, आप लोग तो अच्छे से देखें फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं पूरे चैप्टर में इसलिए बोल रहा हूँ इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स, क्योंकि इससे नीट जेई मेन्स और CBSE, अगर आप लोग को बिलीव नहीं है कि सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं हम, तो आप लोग बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर भी हैं जो क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं प्रीवियस ईयर का। मैं तो करवाया नहीं अभी तक, तो मैं नहीं बता सकता कि आप ये वीडियो जाके देख लो, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप किसी का भी जाके देख सकते हैं, या फिर यूट्यूबर का नहीं देखना है तो आप विकिपीडिया में जाके देखें, या फिर सीधा सा लिखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ क्लास 11 या 12। अभी तो मैं क्लास 11 का ही पढ़ा रहा हूँ, तो क्लास 11 और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, या फिर पूरा का देख सकते हैं। सिर्फ इसका ही देखेगा तो इसका ही भी देख सकते हैं, या फिर पूरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया उसका ही देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में मैं वेरिएशन बता चुका था, ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ वेरिएशन, क्योंकि उसी से रिलेटेड अभी मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए वेरिएशन क्या होता है, मेरा पीरियड में, पीरियड मेरा लेफ्ट से राइट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि बता चुका हूँ पहले, पीरियड मेरा लेफ्ट से राइट होता है, तो मेरा क्या इंक्रीज करता है, लेफ्ट से राइट जाने पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, और न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज किया तो मैंने थ्योरी में बताया था कि एनिसेंथैल्पी भी इंक्रीज करेगा। तो ये पीरियड का कंसेप्ट था। ये अगर हम ग्रुप में जाते हैं तो ग्रुप में क्या होता है फ्रेंड्स, साइज मेरा इंक्रीज करता है, नीचे जाने पर क्या होता है, मेरा जो सेल का साइज होता है मेरा उसका इंक्रीज करता है। तो सेल का साइज अगर इंक्रीज करेगा तो मैं बताया था एक मैग्नेट का एग्जांपल लेके, चुंबक का एग्जांपल लेके, क्या कि अगर चुंबक को हम यहाँ रखते हैं और यहाँ पे एक मेटल का कुछ रखते हैं, और एक चुंबक को यहाँ रखते हैं मेटल को यहाँ रखते हैं, किसमें ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, इसमें, क्योंकि ये सामने है। तो उसी प्रकार कि अगर एनिसेंथैल्पी किसमें ज़्यादा होगा, जो सबसे नज़दीक है, तो नज़दीक तो ऊपर वाला है, लेकिन हम डाउन द में जाना है तो क्या होगा, मेरा घट जाएगा। तो अच्छा से समझ में आ गया यहाँ तक। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम लोग कि पूरा पीरियोडिक टेबल में किसका सबसे ज़्यादा एनिसेंथैल्पी होता है और कैसे होता है। ये नहीं कि हमको रट लेना है कि अच्छा ये होता है, चलो रट लेते हैं, अगर कोई पूछ दिया कैसे होता है तो देखिए उसके हिसाब से। देखिए पहला पीरियोडिक टेबल, सॉरी फर्स्ट पीरियड का लेते हैं हम लोग एलिमेंट। जैसे फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन होता है और फिर हीलियम होता है यहाँ पे। और अभी क्या बताएं फ्रेंड्स हम, कि इधर से हम लोग लेफ्ट से अगर राइट जाते हैं तो क्या मेरा बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज, शॉर्ट में लिख रहे हैं फ्रेंड्स हम, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो मेरा एनिसेंथैल्पी भी बढ़ता है, ठीक है, एनिसेंथैल्पी बढ़ता है। इसका मतलब मान के चलिए फ्रेंड्स, ये मेरा पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट पीरियड है, मान के चलिए ये जो मेरा हाथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट पीरियड है, ठीक है। तो आप लोग देखिए शुरुआत अगर यहाँ से हो रहा है तो एनिसेंथैल्पी इधर से इधर बढ़ रहा है, तो मतलब सबसे कम यहाँ होगा, बढ़ रहा है जहाँ से शुरुआत जहाँ से हो रहा है वहाँ सबसे कम होगा, और जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ सबसे ज़्यादा होगा, मतलब इधर से बढ़ते 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 यहाँ पे सबसे लास्ट आया तो यहाँ सबसे ज़्यादा होगा। इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ सबसे कम होगा और यहाँ से बढ़ते 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 यहाँ पे आएगा, तो सबसे ज़्यादा हीलियम का होगा। मतलब पूरा पीरियोडिक टेबल में आप लोग लिख लीजिएगा इंग्लिश से कि पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा हीलियम का एनिसेंथैल्पी होता है, या फिर जो जैक का स्टूडेंट होगा वो हिंदी से लिख लें, जो CBSE का स्टूडेंट देख रहे हैं वो इंग्लिश से लिख लें, ठीक है। तो समझ में आ गया किसका होता है सबसे ज़्यादा सो। अब किसका सबसे कम होता है उसको मैं बाद बताऊँ, क्योंकि वो ग्रुप में आता है इसलिए, ठीक है। तो अब चलिए फ्रेंड्स पीरियड टू देखते हैं, पीरियड वन में समझ में आ गया, अब चलिए पीरियड टू देखते हैं। तो पीरियड टू का एलिमेंट, तो पीरियड में है लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरिन और नियॉन लास्ट में, ठीक है फ्रेंड्स। तो एकदम सेम इसी के हिसाब से देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं इसके हिसाब से कि फ्रेंड्स ये भी पीरियड में है और ये भी पीरियड का ही था, तो कंसेप्ट तो सेम ही लगेगा। तो चलिए कंसेप्ट सेम लगाते हैं, मतलब इधर से इधर हम लोग जाते हैं लेफ्ट से राइट, तो मेरा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, और अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो एनिसेंथैल्पी इंक्रीज करेगा, ठीक है, समझ में आया। इधर से इधर जाने पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो एनिसेंथैल्पी इंक्रीज करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स मेरा, फिर से देखिए कि इधर से इधर गए तो सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, और सबसे कम इसका होगा, समझ में आया। तो ऑर्डर क्या होगा मेरा, अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है पता है फ्रेंड्स, अगर देखिए पूछ देगा पीरियड टू का एलिमेंट्स को आप लोग अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, अगर ये दिया तो ठीक है, और नहीं दिया तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा ये पूरा, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा नियॉन का होगा,
फिर फ्लोरीन का होगा, फिर ऑक्सीजन का होगा, फिर नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का, फिर बोरन का, फिर बेरिलियम का, फिर लिथियम का। ठीक है, समझ में आया ये कैसे हुआ? समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको दिमाग में नहीं रखना है क्योंकि ये गलत है। कैसे गलत है फ्रेंड्स? मैं देखिए ऊपर में मिटाता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लिए, मैं उसको रफ करता हूँ। ठीक है, अब देखिए कैसे गलत हुआ, कैसे गलत हुआ वो मैं अभी प्रूफ करता हूँ आप लोग के सामने। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बताया था ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से भी लिखना है। ठीक है, तो चलिए इन लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखते हैं। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? 1s2 2s1, है ना। देखिए 2 और 1 3, उसी तरह बेरिलियम 4 होता है तो 2s2 होगा, और ये 5 होता है तो 1s2 2s2 2p1 होगा, है ना। 2p1 2 तो 4 1 5, तो ये इसी तरह 2p2 होगा, 2p3 होगा, 2p4 होगा, 2p5 होगा, 2p6 होगा। फ्रेंड्स, जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि 2p क्या लिख रहे हैं, तो वो पूरा करें, इसीलिए मैं यहाँ पे सैंपल में लिख दिया था आप लोगों को। क्या जैसे इसको अगर लिखना है, मैं एक और बता देता हूँ, इसको लिखना है तो 2s2 2p2, देखिए 2p2, 2 2 4 2 6, इसका 6 होता है कार्बन का। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, 6 आया, 3 इसमें 3 इसमें 6, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ 4, वहाँ 5, यहाँ 6। मैं फ्रेंड्स एक ही चीज़ को बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि सारे बच्चे एक जैसा नहीं होते हैं। ठीक है, किसी को कम समझ में आता है, किसी को तो सिर्फ ये देख लिया तो अगला अपने से लिख देगा हाँ ये होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार एक ही चीज़ को बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये ऑर्डर कैसे गलत हुआ देखते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि हाफ फील्ड का और फुल फील्ड का केस, हाफ फील्ड और फुल फील्ड बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है किसके मुकाबले में, जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन है। तो सबसे पहले इसको तो छोड़ देते हैं फर्स्ट का, अब सेकंड से शुरू करते हैं। तो सेकंड में देखिए फ्रेंड्स, 2s2, अब s में मैक्सिमम कितना होता है 2, और 2 फुल फील है, मतलब 2 भरा हुआ है इसमें। देखिए, और मैं बताया था कि फ्रेंड्स s जो है न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होता है, जो सबसे नज़दीक होगा न्यूक्लियस के फ्रेंड्स, तो क्या करेगा पूरा बहुत जोर से, जितना उसके पास फोर्स है उतना फोर्स से वो खींचा हुआ रहेगा उसको। ठीक है, तो मतलब इससे निकालने में बहुत दिक्कत होगा। अब देखिए ये और ये सामने है, मैं क्या बोलता हूँ, किसी चीज़ को कंपेयर करने पे ही पता चलता है। तो जो इसके सामने, अब इसके साथ मत कर दिया फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि बड़ा तो ये है, तो बड़ा के साथ ही ना कंपेयर करेंगे। तो देखिए ये और ये, तो चलिए अब देखते हैं इसका। तो पी के लिए कितना बॉक्स होता है 3, तो पी के लिए 3 होता है, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब फ्रेंड्स ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और लूज करने के बाद देखिए ये बनाएगा 1s2 2s2, तो इसका मतलब फुलफिल होगा। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करना चाहेगा, क्यों? क्योंकि एक लूज कर देगा तो अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। ठीक है, और सब स्टेबल ही अचीव करने के लिए होता है। तो उसी प्रकार देखिए, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मेरा ये ज़्यादा स्टेबल है इसके मुकाबले, तो क्या हो जाएगा ये, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका एनिसेंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगा किसके मुकाबले, इसके मुकाबले। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, और ज़्यादा एनर्जी लगता है तो उसको बोलते हैं एनिसेंथैल्पी। ठीक है, अब देखिए फिर आप देखिए 2p2, तो p में 3 बॉक्स होता है, अगर 2 दिए तो हाफ फील्ड नहीं हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट 2p3, ये हाफ फील्ड हो गया, 3 बॉक्स है और 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3, ये हाफ फील्ड हो गया। अब फिर किससे करेंगे, उसके बगल वाले से, तो चलिए फिर 3 ही है, 1 2 3, है ना, तो 3 है, तो लेकिन इसमें अगर 4 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स देखिए अब कौन है दोनों में से ज़्यादा स्टेबल, देखिए फ्रेंड्स इसमें समझ में आ गया क्या, कि ये जो बेरिलियम है ये बोरोन को जगह ले लेगा, और जो बोरोन है वो बेरिलियम की जगह ले लेगा, मतलब इंटरचेंज कर जाएगा, रिवर्स कर जाएगा, एक दूसरे का जगह ले लेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार इसमें भी होगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। क्यों होगा फ्रेंड्स? क्योंकि ये हाफ फील्ड है, ये ज़्यादा स्टेबल है इसके मुकाबले में, ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा हाफ फील्ड अचीव करने के लिए। ठीक है, तो देखिए हमारा जो परफेक्ट ऑर्डर है, देखिए परफेक्ट ऑर्डर मतलब जो आंसर होगा रियलिटी में जो है, वो सबसे ज़्यादा तो नियॉन ही होगा। क्यों नियॉन होगा फ्रेंड्स देख लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स पहली बात तो ये नोबल गैस है, और दूसरी बात कि इसका फुल है, फुलफिल है, देखिए 6 है 2p6, तो 6 आपको देखने की जरूरत भी नहीं, नोबल गैस जितने हैं फ्रेंड्स एनिसेंथैल्पी हमेशा उन लोगों का हायर आता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका स्टेबल रहता है। अभी हीलियम का देखें, वो तो सबसे ज़्यादा है पीरियोडिक टेबल में, तो उसके नीचे आते जाएंगे तो वो उन लोगों का भी तो होगा, क्योंकि सारा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है। ठीक है, तो देखिए ऑर्डर में सबसे पहले नियॉन आएगा, फिर आएगा मेरा फ्लोरीन,
फिर मेरा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ऑक्सीजन के यहाँ नाइट्रोजन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है मेरा, यहाँ पे सॉरी यहाँ नाइट्रोजन आएगा है ना, तो ऑक्सीजन के प्लेस में नाइट्रोजन आएगा। देखिए यहाँ चेंज हो गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा मेरा ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे आ जाएगा मेरा कार्बन, फिर यहाँ पे चला जाएगा बेरिलियम, और बेरिलियम के यहाँ पे बोरॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे बेरिलियम, फिर यहाँ पे बोरॉन, और फिर सबसे कम लिथियम। अब ये हो जाएगा मेरा परफेक्ट ऑर्डर और यही मेरा आंसर है। अब समझ में आ गया फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग नोट कीजिए, मैं रफ करता हूँ और आगे बताता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पीरियड टू तक देख लेते हैं, अब पीरियड थ्री देखते हैं, ठीक है। ये मत सोचिएगा मैं पूरा करवाऊंगा सारा पीरियड का, पीरियड थ्री ही करवा रहा हूँ सिर्फ। तो देखिए पीरियड थ्री का भी एलिमेंट अगर नहीं याद होगा तो याद रखिएगा आज के बाद से, क्या सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स, तो अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, फिर से देखिए वही चीज़, इधर से इधर जाने पे मेरा क्या होगा, मेरा न्यूक्लियर चार्ज। फ्रेंड्स जो एक्सेप्शन है मैं वही बता रहा हूँ, जो एक्सेप्शन नहीं है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, इसमें मैं बता रहा हूँ, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो एनएस एंथैल्पी भी इंक्रीज करेगा। तो ऑर्डर क्या होगा मेरा, फिर से ऑर्डर मेरा हो जाएगा आर्गन का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर क्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर सल्फर का, फिर फास्फोरस, फिर सिलिकन, फिर एल्युमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम, ठीक है यही होगा। लेकिन फिर इसमें गलत क्या हो रहा है, आप फिर से देखिए, सी ए इसका 11 होता है तो लास्ट में कितना होता है 3s1, इसका कितना हो जाएगा 3s2, इसका कितना हो जाएगा मेरा 2p1, इसका हो जाएगा 2p2, इसका हो जाएगा 2p3, इसका हो जाएगा 2p4, इसका हो जाएगा 2p5, इसका हो जाएगा 2p6, ठीक है समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब देखिए किस में हाफ फील्ड है, किस में फुल फील्ड है, चलिए चेक करते हैं। देखिए इसका तो कोई कंसेप्ट ही नहीं बन रहा है मेरा, क्योंकि ये मेरा S है और ये मेरा P है, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट बन रहा है, क्या ये देखिए फास्फोरस और सल्फर, इसमें देखिए हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड है। तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ फ्रेंड्स, देखिए ये आगे ही चला जाएगा क्योंकि ये हाफ फील्ड है और ये हाफ फील्ड अचीव करना चाहेगा तो वो जल्दी लूज कर देगा, तो लूज करेगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, उसको तोड़ने में एनर्जी कम देना पड़ेगा, और एनर्जी कम देंगे तो क्या होगा मेरा एनएस एंथैल्पी कम होगा। और इसमें उसका उल्टा, ये हाफ फील्ड है तो हाफ फील्ड में एनर्जी ज़्यादा देना होगा, और एनर्जी ज़्यादा देंगे तो एनएस एंथैल्पी ज़्यादा होगा। तो देखिए मेरा परफेक्ट ऑर्डर क्या होगा, मेरा जो परफेक्ट ऑर्डर है फ्रेंड्स, तो आर्गन तो रहेगा, फिर मेरा क्लोरीन रहेगा, फिर उसके बाद आ जाएगा मेरा फास्फोरस, उसके बाद आएगा सल्फर। देखिए यहाँ पे सल्फर था लेकिन यहाँ पे फास्फोरस सल्फर, बाकी सब सेम लिखिए, फिर सिलिकन, फिर एल्युमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स, मेरे पास जो एक्सेप्शन था मैं बता दिया अभी आपको, और बाकी जो है सो क्वेश्चन के थ्रू मैं करवाऊँगा तो उस टाइम और बताऊँगा अच्छे से। तो फ्रेंड्स इसको नोट कीजिए आप लोग, अब मैं ग्रुप बताता हूँ, ठीक है इसको नोट कीजिए आप लोग। पीरियड का मैं बता दिया था कंसेप्ट और उसमें जो एक्सेप्शन है वो भी बता दिया, तो चलिए ग्रुप फिर आता हूँ मैं। तो ग्रुप का भी कंसेप्ट तो मैं बता ही दिया था, क्या होता है नीचे जाने पे, नीचे जाने पे मेरा साइज इंक्रीज करता है, तो साइज इंक्रीज करेगा तो एनएस एंथैल्पी घटेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि मेरा सबसे ऊपर होता है, देखिए इसका याद रखने का तरीका क्या है, ग्रुप वन हलीना की रब से फरियाद। फ्रेंड्स अगर जिसको पीरियड टेबल याद नहीं है तो वो जाके देख ले यूट्यूब पे, मैंने एक वीडियो बना के रखा है, मात्र 10 मिनट का वीडियो है, ठीक है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उस वीडियो को, आप लोग जाके देख लें। तो देखिए हलीना की रब से फरियाद, तो हलीना हाथ से हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को हम लोग नहीं लिखते क्योंकि वो नॉन मेटल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हलीना की रब से फरियाद, और फरियाद में क्या होता है मेरा फ्रांसियम, और फ्रांसियम जो है मेरा वो रेडियो एक्टिव होता है, और रेडियो एक्टिव किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, नहीं पता है तो रेडियो एक्टिव उसको बोलते हैं जिसको हल्का सा फोर्स दे, हल्का सा नाम मात्र जिसको बोल सकते हैं, नाम मात्र का फोर्स उसको देते हैं तो वो टूट जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसको नहीं लेते हैं एनएस एंथैल्पी में, क्योंकि कुछ उसमें फोर्स ही नहीं लगता है तो कुछ पता ही नहीं चलता है, इसलिए नहीं लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर देखें सबसे ज़्यादा एनएस एंथैल्पी किसका होगा, इसका होगा या फिर इसका होगा फ्रेंड्स। उससे पहले मैंने बताया था अभी आप लोगों को पीरियड में कि हीलियम का मेरा सबसे ज़्यादा एनएस एंथैल्पी होता है पूरा पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो देखिए इधर से इधर गए तो मेरा सबसे ज़्यादा हुआ, तो उधर से इधर आएंगे वापस आएंगे तो हीलियम के मुकाबले में तो लिथियम का कम होगा, और फिर नीचे आ जाएंगे तो मेरा सबसे कम मिल जाएगा,
क्या ये जो CGM है मेरा, वो मेरा लोवेस्ट लोवेस्ट एमुलेशन थेरेपी इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम कि फ्रेंड्स देखिए, फिर से देखिए वही एग्जांपल एकदम सेम सा, क्या कि हम अगर यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ जा रहे हैं, तो अगर जहाँ से शुरुआत कर रहे हैं तो कम ही होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा तो इधर बढ़ रहा है, इधर अगर बढ़ रहा है तो धीरे धीरे ही बढ़ेगा, और वही चीज़ अगर इधर कर दिए, अच्छा इस हाथ से देखिए है ना, तो अगर मैं यहाँ पर सबसे कम है, अगर नीचे आएंगे तो उससे भी कम मिलेगा, तो इसलिए इसलिए ये मेरा लोवेस्ट है। ठीक है, अगर ये मेरा जनरल कंसेप्ट था, ठीक है, अगर थ्योरी के हिसाब से समझना है तो इसका साइज सबसे बड़ा होता है। ठीक है फ्रेंड, तो साइज सबसे बड़ा होता है तो तोड़ने में एनर्जी कम देना पड़ेगा, और कम देना पड़ेगा तो एनर्जी एंथैल्पी सबसे कम होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये था, अब ये फर्स्ट ग्रुप था मेरा, ग्रुप वन। अब यही अगर ग्रुप टू देखेगा फ्रेंड्स, जो मेरा ट्रेंड्स था इसका एकदम सेम ट्रेंड्स है, कोई एक्सेप्शन नहीं। ठीक है, तो वही ग्रुप टू देखेंगे, तो ग्रुप टू का भी याद रखने का तरीका क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो चलिए इसको लिख दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो फिर नीचे जाएंगे तो क्या होगा, मेरा साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो एनिशन थेरेपी घटेगा, तो इसका आप लोग ऑर्डर खुद से लिखिएगा। ठीक है, तो ये दोनों को नोट कीजिए, इसमें कुछ एक्सेप्शन नहीं था। ठीक है, और कुछ मैं क्वेश्चन बताता हूँ अभी, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा आता है आपको जेईई मेंस, नीट और CBSE में, आप लोग उलट के देख सकते हैं आप लोग प्रीवियस ईयर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग, मैं जैसे बोला था अभी कि कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मेरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फर्स्ट एमिनेशन थेरेपी एंड सेकेंड एमिनेशन थेरेपी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मेरा नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p, कितना होता है नाइट्रोजन का, 7 होता है, तो 4 हो गया 3। देखिए फ्रेंड्स, ये हाफ फील्ड है मेरा। ठीक है, अब ऑक्सीजन का लिख लेते हैं हम लोग, तो ऑक्सीजन का 8 होता है, तो हाफ फील्ड तो नहीं रहेगा क्योंकि 7 है, एक बढ़ेगा तो 4 हो जाएगा इसमें, तो 2s2 2p 4। तो फ्रेंड्स देखिए, अब अगर एक इलेक्ट्रॉन हम लोग रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, ये माइनस का साइन दे रहे हैं मतलब रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे थे, ये क्या बनेगा मेरा नाइट्रोजन प्लस, और नाइट्रोजन प्लस बनेगा तो मेरा इससे रिमूव करने में दिक्कत होगा, तो नाइट्रोजन प्लस बनेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p 2 हो जाएगा, क्योंकि मुझे दूसरा भी निकालना है ना फ्रेंड्स, ये तो पहला है मेरा, दूसरा भी निकालना है इसलिए मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये O प्लस हो जाएगा, और O प्लस होके 1s2 2s, यहाँ पे 2 भूल गए, 2s2 2p 3 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब देखिए, फर्स्ट अगर कंपेयर करने के लिए पूछ दिया गया फर्स्ट किसका होगा ज़्यादा एनोस एंथैल्पी, तो किसका होगा फ्रेंड्स, आसानी से बता सकते, इतना करने की जरूरत भी नहीं था, मैं समझाने के लिए किया, क्या कर सकते, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए, देखिए यहाँ पे दिख रहा है मुझे हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड है तो मुझे एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा निकालने के लिए, और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, एक लूज कर देगा, और लूज करके ये अस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव करना चाहेगा, तो ये आसानी से लूज करेगा, तो मतलब फर्स्ट आयनेशन थेरेपी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ये पहला हो गया मेरा आंसर। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिए, पहला जिसका बड़ा उसका दूसरा नहीं होगा बड़ा। ठीक है, क्योंकि एक देख लीजिए जनरल से, अगर मेरा 2p3 है यहाँ पे, तो एक निकाल दें तो 2p2 बन गया, ये नहीं होगा। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे 3 मान के चलिए कुछ भी है, s2 है, तो एक निकाल दीजिए तो s1 हो गया। ठीक है, तो ये इसके मुकाबले में कम है। ठीक है, उसी तरह देख लीजिए, ये अगर मान के चलिए d मेरा 5 हाफ फील्ड है, और एक निकाल दें d4 हो गया, अगर d10 है तो एक निकाल दें d9 हो जाएगा। तो देखिए हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, कि अगर पहला जिसका बड़ा आ रहा है एनोसन थेरेपी, दूसरा उसका कभी भी बड़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अब सेकेंड, तो कैसे नहीं बड़ा होगा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2p2 हो गया। अब देखिए p में 2 ही सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए ये हाफ फील्ड नहीं है, तो ये क्या करेगा, दोनों लूज करना चाहेगा, और लूज करके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन
स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा। और ये क्या है फ्रेंड्स, पहले से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इसको लूज नहीं करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा तो इसको एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा लूज होने के लिए। तो ज़्यादा देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा क्या होगा, एनिसेंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए अगर स्टेप भी लिखना चाहते हैं तो फिर से देखिए, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो एन टू प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो यहाँ हो जाएगा ओ टू प्लस। तो इसमें आप देखिए फ्रेंड्स, इसमें आप कौन बड़ा है, मेरा ओ टू प्लस इज ग्रेटर देन एन टू प्लस। क्यों हुआ फ्रेंड्स, समझ में आ गया? तो इसको अच्छे से आप लोग नोट कीजिए, मैं रफ करता हूँ फ्रेंड्स। नहीं समझ में आता है तो मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, कमेंट किया कीजिए, जहाँ पे भी डाउट है, जहाँ पे भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है इस टाइप का रिलेटेड। और क्वेश्चन अगर आप लोग के पास किताब में नहीं बन रहा, जैसे कि मेरे पास बुक है फ्रेंड्स, मैं दिखाता हूँ, जैसे कि ये बुक मेरे पास है ना, है ना, तो ये बुक है तो देख लीजिए, ये नहीं कि ये बुक इतना पढ़ना है मुझे, ठीक है, इससे सिर्फ क्वेश्चन मुझे भी करना है। ये 2000 से 3000 से ज़्यादा पेज का होगा बुक, ठीक है, तो इतना आपको पढ़ना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अरे भाई इतना मोटा बुक पढ़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ता कोई नहीं, इसको सिर्फ रिवीजन के लिए रखा जाता है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन कम होते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में क्या होता है, क्वेश्चन कम होता है, तो क्वेश्चन कम होने के कारण इस पे जानते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, सो एक ही तरह का क्वेश्चन आपको 10 मिलेगा तो उसे कंसेप्ट खुलता है। एनसीईआरटी में क्या होता है, एक ही तरह का क्वेश्चन सिर्फ एक देता है तो उसे कंसेप्ट नहीं खुलता है, तो इसलिए ये सब साइड बुक रखा जाता है, ठीक है, तो इसको नोट कीजिए आप लोग, मैं रफ करता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या है, कंपेयर आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन प्लस, ठीक है, क्या बोले हमको, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन प्लस का आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करना है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं, 1s2 2s2 2p3, यही होगा। अब देखिए 2p3 इसका, अब n प्लस का देखिए, n प्लस मतलब एक निकल चुका है मेरे पास, 1s2 2s2 2p2, इसमें फर्स्ट सेकंड नहीं बोला है, तो जो फर्स्ट सेकंड नहीं बोला है तो मतलब मुझे सिर्फ यही देखना है। अगर फर्स्ट बोलता तो एक रिमूव करके देखते हैं, सेकेंड बोलता है तो दो रिमूव करके देखते हैं, कुछ नहीं बोला है तो जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसी में से देखना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा हाफ फील्ड हो गया और ये मेरा हाफ फील्ड नहीं है, तो आप लोग खुद बताइए कौन होगा, आप लोग खुद बना लिए होंगे क्या होगा, कि नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन प्लस, क्या कि नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा नाइट्रोजन प्लस से, ठीक है, सब बना चुके हैं, यही आंसर आया। तो सब अच्छे से आराम से कॉपी में एक पेन लें और काट दें। क्यों काटेंगे फ्रेंड्स, अच्छे से काटें एकदम आराम से, क्योंकि देखिए क्यों काटना है, देखिए मैंने सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिस टाइम पढ़ा रहा था उस टाइम मैं बताया था कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3 इज़ ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 इज़ ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, और मैं उस टाइम बोला भी था कि ये जो है ये हमेशा होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, मतलब ये सेम के लिए, सेम एलिमेंट के लिए, सेम एलिमेंट, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सेम एलिमेंट है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम एलिमेंट है, तो ये सेम एलिमेंट के लिए, मतलब कि अगर नाइट्रोजन कुछ भी आ जाएगा मुझे कुछ नहीं देखना है, कंपेयर किसी से नहीं करना है, ना ही इलेक्ट्रॉनिक कंपेरिजन देखना है, ना ही मुझे क्या बोलते हैं वेरिएशन देखना है कि डाउन द ग्रुप क्या होगा, पीरियड में क्या होगा, कुछ नहीं देखना है, सेम रहेगा तो देखना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कंपेरिजन नहीं देखना है, ठीक है। तो क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अच्छे से आप लोग, कि जो मेरा थर्ड होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो सेकंड से ज़्यादा होगा और जो सेकंड होगा फर्स्ट से ज़्यादा होगा, तो अब उसी हिसाब से क्या होगा मेरा आंसर, ये तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ना होगा फ्रेंड्स। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए फर्स्ट है, तो फर्स्ट से अगर एक रिमूव किए, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि फर्स्ट से अगर एक रिमूव करेंगे तो एन प्लस आता है, और एन प्लस कब आया, जब फर्स्ट रिमूव किए तब, तो रिमूव किए तो देखिए फ्रेंड्स, तो ये कौन सा हो जाएगा मेरा सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरा बड़ा हो जाएगा। अब समझ में आया कि दिस इज़ ग्रेटर देन दिस, तो फ्रेंड्स ये मेरा आंसर होगा। तो आँख बंद करके आपको थ्योरी ये वाला सक्सेसिव वाला याद रखना है, कब, जब मेरा इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, अगर मान के चले इसके जगह पे ओ एंड ओ प्लस आ जाता, या फिर ओ एंड ओ टू प्लस आ जाता, तो इस तरह का कुछ भी आ जाता, तो आप लोग को आँख बंद करके ये वाला याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें नहीं देखना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप लोग अच्छे से नोट कीजिए, मैं रफ करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट मेरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी मैं बताने जा रहा हूँ,
ठीक है, क्या एक्सेप्शन, किसमें, पीरियड में बता चुका हूँ एक्सेप्शन, फ्रेंड्स मैं बार बार बोल रहा हूँ एक्सेप्शन जितने हैं, नॉर्मल तो याद रखने का चीज़ ही नहीं है क्योंकि वो थ्योरी बेस्ड तो बन जाता है, एक्सेप्शन सारा याद रखना है, ठीक है। तो एक्सेप्शन ग्रुप, ग्रुप का एक्सेप्शन, तो फ्रेंड्स ये हर साल क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, किससे, ग्रुप 13 और ग्रुप 14 से। तो पहले ग्रुप 13 समझते हैं, तो ग्रुप 13 का एलिमेंट कौन कौन सा होता है, जिसको नहीं याद है मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यूट्यूब में जाके सर्च कर लें, यही शायद संकेत कुमार और पीरियोडिक टेबल का ट्रिक, या फिर नहीं नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में तो डाल ही दूंगा, ठीक है, वहाँ जाके देख लें आप लोग। तो चलिए ग्रुप 13 का, तो ग्रुप 13 का एलिमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, याद रखने ट्रिक देखिए, बैंगन आलू गाजर इन थैला, तो ये मेरा हो गया ग्रुप 13 का एलिमेंट। और याद रखने ट्रिक क्या था, बैंगन आलू गाजर इन थैला, देखिए बी से बैंगन, आलू से एल, गाजर से जी ए, इन आई एन इन थैला, ठीक है, बैंगन आलू गाजर इन थैला। और देखिए फ्रेंड्स अगर हमको एनएसएन थैला निकालना है ग्रुप में तो क्या करेंगे, चेक करेंगे, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज बढ़ता है, नीचे जाते हैं साइज बढ़ता है, और एनएसएन थैला मेरा घटता है, तो एनएसएन थैला घटेगा, तो इसका मतलब सबसे कम इसका होगा और सबसे ज़्यादा इसका, तो ये इस तरह होगा ऑर्डर इसका, यही होगा। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब एक्सेप्शन में बताता हूँ तो जो मेरा थ्योरी के हिसाब से आता है वो सही आंसर नहीं होता है कभी भी एक्सेप्शन में, ठीक है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए उसके लिए एक ग्राफ याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, एनएसएन थैलपी वर्सेस एटॉमिक नंबर, क्या बोला, एनएसएन थैलपी वर्सेस एटॉमिक नंबर, तो कुछ नहीं है ग्राफ फ्रेंड्स, सीधा सा याद रखना है डब्लू, ठीक है, हमको W याद रखना है। थोड़ा सा क्या याद रखना है कि ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा और ये थोड़ा सा नीचे रहेगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से काउंट कीजिए, ये क्या हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर, ये हो गया फाइव, देखिए यहाँ पे है 1 2 3 4 5 एलिमेंट, तो ये जो फर्स्ट है वो फर्स्ट में जाएगा, तो यहाँ पे B होगा, फिर यहाँ पे होगा एल्युमिनियम, फिर यहाँ पे होगा गैलियम, फिर यहाँ पे होगा इंडियम, यहाँ होगा थैलियम। तो अब इसके अनुसार से हमको आंसर लिखना है फ्रेंड्स, देखिए अब जो है ये यहाँ जा रहा है, मतलब ये सबसे बड़ा होगा बी, तो बी इज़ ग्रेटर देन थैलियम, क्योंकि फ्रेंड्स ये दोनों लगभग सेम रहता है, लेकिन बी को पहले लिखते हैं हम लोग, थोड़ा सा बी ऊपर रहता है इसलिए। अब देखिए इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, देखिए अब यहाँ जाएंगे, क्योंकि इसके बाद तो यही नीचे है मेरा, उसके बाद गैलियम, फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे मैं फ्रेंड्स, मैं बताया ये सबसे नीचे होता है, तो उसके बाद तो यहीं जाएंगे हम लोग, तो फिर होगा एल्युमिनियम और लास्ट में तो इंडियम होगा। अब समझ में आ गया फ्रेंड्स ऑर्डर क्या होगा, अब देख सकते हैं कितना गड़बड़ी था ऑर्डर में, क्या था मेरे पास ऑर्डर में आंसर का, इस तरह था, है ना, कि सबसे ज़्यादा इस तरह होगा, है ना, मतलब सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, लेकिन अब क्या हो गया फ्रेंड्स, थैलियम मेरा यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना ज़्यादा बदलाव हुआ, थैलियम यहाँ से यहाँ उठ गया, क्यों आया फ्रेंड्स, क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण आया, इसके पास इतना ज़्यादा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया कि वो एल्युमिनियम की जगह पे आ गया, कैसे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन मतलब समझिए फ्रेंड्स, लेंथेनॉइड अभी तो बताए नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब समझिए सिर्फ, कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है सिकुड़ जाना, तो वो सिकुड़ गया, सिकुड़ गया मतलब छोटा हो गया, और मैं बताया कि जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना ज़्यादा उसमें एनएसएन थैलपी लगेगा, मतलब तोड़ने में उतना ज़्यादा एनर्जी लगेगा, तोड़ने में उतना एनर्जी लगेगा तो एनएसएन थैलपी उतना ज़्यादा होगा, इसलिए मेरा यहाँ पे ये ऑर्डर हो गया, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो अब चलिए इसको आप लोग अच्छे से नोट कीजिए, ग्राफ को याद रखिए, ग्राफ याद रखिएगा तब ये बनेगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, कुछ नहीं, ग्राफ में एनएसएन थैलपी एटॉमिक नंबर लिख दीजिएगा और ये डब्ल्यू बना दीजिए, और डब्ल्यू किस तरह रहेगा फ्रेंड्स, इतना याद रखिए जो पहला जो मेरा लाइन रहेगा वो थोड़ा ऊपर रहेगा, और जो लास्ट वाला डब्ल्यू का लाइन रहेगा वो नीचे रहेगा, ठीक है। अब चलिए इसको मैं रफ करता हूँ, आप लोग नोट कीजिए अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड्स अब ग्रुप 14 देखते हैं, ठीक है, ग्रुप 14 में भी एक्सेप्शन है कुछ, तो देखते हैं ग्रुप 14, ग्रुप 14 का एलिमेंट नहीं पता है तो मैं बताता हूँ अभी, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, याद रखने ट्रिक है ये, ठीक है, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, कोई किसी और ट्रिक से भी याद रखते हैं मुझे, जिससे याद है मैं याद रखा हूँ, तो कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, ठीक है, याद रखने का ट्रिक है, किसका, ये ग्रुप 14 का, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स फिर वही देखते हैं एकदम सेम, जल्दी जल्दी साइज इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, और साइज इंक्रीज करेगा तो एनएसएन थैलपी मेरा क्या होगा, मेरा एनएसएन थैलपी घटेगा, तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, लेकिन ये फिर गलत है,
इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, क्या है ये जो है इसके प्लेस पे आ जाता है, ये जो है इसके प्लेस में आता है, बस इतना ही चेंज है मेरे पास और कुछ नहीं है। तो इसको सिंपल से याद रखें, इसको याद रखने की कोई ट्रिक व्रिक नहीं है जिस तरह इसके पहले बताए थे हम, ठीक है। इसको बस इसी तरह याद रखना है, ग्रुप 14 का जो भी एलिमेंट है उसमें सिर्फ लास्ट में चेंज होगा। क्या चेंज होगा लास्ट में, ये वाला सेकेंड लास्ट चला जाएगा, जो सेकेंड लास्ट वाला वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, एसन और लीड। सॉरी फिर गलती कर दिए ना, लीड पहले आएगा, एसन बाद में आएगा। तो ये मेरा ऑर्डर हो जाएगा और ये मेरा आंसर, आप समझ में आ गया, कुछ नहीं करना। अब लास्ट इसमें बस लास्ट बचा हुआ मेरा क्या, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, NM लिख रहे हैं।